हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मनी प्लांट गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए अडेलिया के प्लांट और फ्लावर्स लेकर आई हूँ, जो कि मेरे गार्डन में इस समय अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और जो अभी फ्लावरिंग हो रही है तो डहेलिया फिलहाल खिल रहे हैं, और भी लगे हैं, लेकिन जो फ्लावरिंग हो रही है डहेलिया की फिलहाल हो रही है अभी, क्योंकि इस समय धूप अच्छे से मिल रही है इन पौधों को। तो जब धूप अच्छे से निकलने लगती है तभी इन सब में फ्लावरिंग होती है। और फ्रेंड्स, जो डहेलिया के फ्लावर्स होते हैं बड़े साइज़ के होते हैं, इनके साइज़ बहुत बड़ी होती है, तो बड़े होने के साथ साथ ये हैवी हो जाते हैं। तो जब हैवी रहते फ्लावर्स तो इनको ना फूल झुकने लगते हैं, तो ब्रांच भी टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इनको कोई अच्छी सी स्टिक मजबूत लगा के बांध देंगे, सपोर्ट दे देंगे, तो आपका पौधा अच्छे से टिका भी रहेगा और फ्लावरिंग भी अच्छे से होगी। और फ्रेंड्स, मेरा ये जो डहेलिया का प्लांट है सारे ग्राउंड पे लगे हुए हैं, तो ग्राउंड पे लगाने से फ़ायदा भी होता है। आप कोई भी प्लांट लगाओ ग्राउंड पे तो अच्छे से लग जाता है, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर पॉट में लगाते हैं तो केयर की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा ही पड़ती है। तो आप पॉट में अगर लगाते हैं तो उसके लिए आप जो भी पॉट लें बड़ा ही लें, और मिट्टी भी आप बेलड्रेन ही लें। बेलड्रेन मिट्टी की बात करूँ तो एक हिस्सा खाद रहेगा, एक हिस्सा कंपोस्ट खाद रहेगा, और एक हिस्सा रहेगा गार्डन सॉइल, और एक हिस्सा आप उसमें बोन मील्स मिला सकते हैं। बोन मील्स इन पौधों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप बोन मील्स ऐड कर लीजिएगा अगर मिट्टी बना रहे हैं, और रेत भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि रेत डालने से आपकी मिट्टी वेल ड्रेन हो जाती है। तो आप जो भी पानी डालेंगे वो रुकेगा नहीं, वो पानी निकल जाएगा। नहीं तो अगर पानी रुका रहेगा तो आपकी मिट्टी ख़राब होने लगेगी, पौधे भी ख़राब हो जाएंगे साथ साथ में। तो जब भी मिट्टी बनाएं आप बेलड्रेनी मिट्टी बनाएं। और फ्रेंड्स, जो बोन मील्स होते हैं आप उनको फर्टिलाइजर के रूप में भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो गोबर की खाद भी दे सकते हैं। और सरसों की खली होती है आप उसको लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दे सकते हैं, क्योंकि जो डहेलिया का प्लांट होता है उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके फ्लावर्स बड़े भी होते हैं, और जब फ्लावरिंग होती है तो फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इनको 15 दिन या एक हफ्ते में एक बार ज़रूर फर्टिलाइज़र आप दें, कुछ भी दे सकते हैं। आपको मैंने बता ही दिया क्या क्या देना है आपको, तो उसमें से एक चीज़ आप दे सकते हैं आप इन पौधों को। और फ्रेंड, पानी की बात करूँ तो पानी आप इनको दोनों टाइम में दें, अगर ग्राउंड पे लगाए तो एक टाइम दें, अगर आप पॉट में लगाए हैं तो प्लीज़ आप दोनों ही टाइम दें, क्योंकि गर्मी होने लगी है तो मिट्टी में जो मॉइस्चर होती है वो ख़त्म होने लगती है। तो आप दोनों टाइम पानी देते रहे, अपनी मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखें, ऊपर वाटिंग नहीं करनी है, पर ध्यान दें कि आप जो भी पानी दें उसमें रुका ना रहे। रुके का मतलब होता है कभी कभी लोग पानी डाल देते हैं तो भरा ही रहता है आपके पॉट में, तो आप इस तरीके से पानी ना दें, पानी दें कि आपका जो पानी एक्स्ट्रा वाटर हो वो निकल जाए। तो ये होता है ना कि आप जब भी पॉट लें उसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, आप चेक करके ही इन पौधों को लगाएं कि उसमें आपने जो पॉट लिया है, गमला लिया है, उसमें ड्रेनेज होल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप खुद से बना सकते हैं उसमें किसी से किसी तरीके से, तो वो बन जाएगा आराम से। और फ्रेंड्स, आप अपने पॉट को ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ पर 7-8 घंटे की धूप आती है। 7-8 घंटे की धूप का मतलब होता है कि दिन भर की धूप होनी चाहिए, क्योंकि जब धूप होती है तभी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और अगर पॉट में है तो आप ऐसी जगह शिफ्ट करते हैं जहाँ धूप आती है, और ग्राउंड पे अगर लगा रहे हैं तो आप ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर धूप आती हो। और फ्रेंड, इनको आप कटिंग से और बीज से और बल्ब से, तीनों से ग्रो कर सकते हैं। इनके बल्ब जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो आप इनके बल्ब को रख सकते हैं अच्छे से संभाल के, और इनके जो बल्ब होते हैं जो पोटैटो साइज़ के होते हैं वो आप इनको संभाल के आप नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। और बल्ब लगाने का टाइम अच्छा होता है, आप नवंबर में लगा सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं, तो इस टाइम में आप फ्लावरिंग देने लगेंगे। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।